हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 करेंगे। पहले भी 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में भी हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, Which of the following is an example of endemic species? हमारे पास कुछ examples दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा एक example है endemic species का। तो हमें पता होना चाहिए कि endemic species जो हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है? Endemic species होती हैं ऐसी species जो केवल एक particular जगह या particular area पे ही पाई जाती हैं। वो particular area पे क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि वो isolate होती हैं ना, या तो वो natural barrier से या तो फिर geographical barrier से। मतलब कि कोई ऐसी जगह, ठीक है, ऐसी जगह जहां पे उनके लिए जो भी स्पीशीज हैं उनके लिए या तो नेचुरल या तो जियोग्राफिकल बैरियर बना हुआ है। मतलब कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनको स्पेसिफिक क्लाइमेट की जरूरत होती है, ठीक है? जैसे पोलर बियर है, वो कहाँ रहेगा? स्नो में ही रहेगा। तो एक तरह से वो क्या हो गया, उसके लिए जियोग्राफिकल या फिर नेचुरल उसके लिए एक बैरियर बन जाएगा कि उसके बाहर वो जो है वो नहीं रह सकता। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उनको एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया पे ही पाए जाते हैं। ऑप्शंस हमारे पास है, पहली ऑप्शन है निकोबार पिजन, दूसरी ऑप्शन है एशियाटिक बफलो, तीसरी है ब्लैक बग और चौथी है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज निकोबार पिजन, जो कि अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है। नेक्स्ट इज पेरियार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी स्टेट में है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरला। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज केरला। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है? कौन सी ऐसी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज हैं? कंजर्वेशन किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे वो फॉरेस्ट की हो या फिर प्लांट्स की हो, ट्रीज की हो, एनिमल्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, कुछ भी हो। किसी भी चीज की कंजर्वेशन की जो स्ट्रेटजीज बनती हैं, जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन था या फिर चिपको मूवमेंट था, ठीक है, कहते हैं कि कौन सी ऐसी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज हैं जिसमें कम्युनिटी की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं होती। ऑप्शन है हमारे पास, पहला है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा है बीज बचाओ आंदोलन, तीसरा है चिपको मूवमेंट एंड द लास्ट वन इज डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि हम ऑप्शंस को देख के ही बता सकते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ये ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें लोकल कम्युनिटीज को क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है? अगर हमें जो भी अगर डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको रिस्टोर करना है, कोई भी ऐसा काम करना है जो कंजर्वेशन को लेके हो, तो उसमें जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसमें तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, बीज बचाओ आंदोलन इसमें भी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट थी और चिपको मूवमेंट इसमें भी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डीमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। डीमार्केशन क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सरबंदी करना, सरहदबंदी। सरहदबंदी मतलब एक बाउंड्री लगाना कि हम डिसाइड करेंगे कि ये जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेंगे और हम उसकी बाउंड्री लगाएंगे, तो उसमें जो है वो डायरेक्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द एशियन चीता, ठीक है, एशियन चीता जो है was declared extinct in India in which year? ठीक है, एशियन चीता जो है वो extinct हो चुका है, मतलब वो खत्म हो चुका है, ठीक है, इंडिया में। तो वो इंडिया में कब डिक्लेयर किया गया था कि ये extinct हो चुका है? ऑप्शन है 1951, 1952, 2010 या फिर 1975। तो सही आंसर है इसका 1952 में जो है वो एशियाटिक चीता जो है वो extinct जो है वो declare कर दिया गया था, ठीक है? इसके कई कारण रहे थे, चीता के एक्सटिंक्ट होने के कई कारण रहे थे, ठीक है? कुछ हम बोल सकते हैं कि उसका जो हैबिटेट है वो खत्म हो रहा था, हैबिटेट कम होने की वजह से उसको जो प्रे है, मतलब जो उसको खाना उसका जो शिकार है वो कम हो रहा था। तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो चीता है वो एक्सटिंक्ट जो है वो हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसमें से जो मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम जो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ वेस्टलैंड्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड होते हैं,
ठीक है, कुछ अनक्लास्ड होते हैं। तो अगर हम बात करें अनक्लास्ड फॉरेस्ट की, तो ऐसे लैंड जो ऐसे फॉरेस्ट सॉरी ऐसे फॉरेस्ट और वेस्टलैंड जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटीज इन सबसे बिलोंग करते हों, मतलब दीज आर दी अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, उनको क्या कहा जाता है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, वैसे भी अगर आपको बताया जाए कि जो डेटा है, जो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है, टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, उसमें से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनका जो डेटा है वो कम्प्लीटली सर्वे जो है वो नहीं हो पाया है। नेक्स्ट इज सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या वेस्ट बंगाल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये अभी हमने डिस्कस किया, एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन है स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर नॉर्मल, दूसरा है हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड, तीसरा ऑप्शन है स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन एंड द लास्ट वन इज स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऐसी स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर, मतलब जहां पे वो पाए जाते थे जिन एरिया में, वहां पे भी ढूंढने के बाद भी नहीं मिले, ऐसे स्पीशीज को क्या कहा जाता है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका बहुत सबसे ज्यादा एरिया जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर आता है। ऑप्शंस हैं बिहार, दूसरी ऑप्शन है केरला, तीसरी ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड द लास्ट ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है उसका अराउंड अबाउट एस्टिमेटेड 75% जो एरिया है वो किसके अंदर आता है, फॉरेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, वन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज वॉज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन 1991 में कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो पहली बार जो है वो प्रोटेक्टेड स्पीसीज के अंडर ली गई थी। ठीक है, ऑप्शंस है इंसेक्ट्स, दूसरी है फिश, तीसरी है प्लांट्स एंड द लास्ट वन इज रेप्टाइल्स। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज प्लांट्स। प्लांट्स जो है पहले तो इनको जो है प्रोटेक्टेड स्पीशीज के अंदर नहीं लिया जाता था, पर 1991 में पहली बार प्लांट्स को जो है प्रोटेक्टेड स्पीशीज के लिस्ट में लिया गया। तो और सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ इट्स फॉरेस्ट इज मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज, ठीक है, कि कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट का जो एरिया है वो लोकल कम्युनिटीज के द्वारा क्या किया जाता है, लोकल कम्युनिटीज के ज्यादा द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि जो सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, त्रिपुरा, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और साथ में गुजरात, गुजरात का भी गुजरात में भी बहुत ज्यादा परसेंटेज जो फॉरेस्ट की है वो अनक्लास फॉरेस्ट में आती है और जिनको लोकल कम्युनिटीज जो है वो मैनेज करती हैं। तो ऑप्शंस में नॉर्थ ईस्टर्न की कोई भी स्टेट दे सकते हैं या फिर गुजरात जो है वो भी ऑप्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन मध्य प्रदेश मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, फॉरेस्ट को अभी भी काटा जा रहा है, उनको क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑप्शंस हैं डोलोमाइट माइनिंग, दूसरा है कमर्शियल प्लांटेशंस, तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एंड द लास्ट वन इज नर्मदा सागर रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज जो रिवर प्रोजेक्ट है नर्मदा नर्मदा रिवर के ऊपर जो बन रहा है उसकी वजह से जो है वो फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ प्राइवेट एंड इंडिविजुअल एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट आर नोन एज, ये अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, ऐसे फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड जो प्राइवेट इंडिविजुअल कम्युनिटीज और गवर्नमेंट तीनों को बिलोंग करते हैं उनको क्या कहा जाता है, सैक्रेड ग्रोव कहा जाता है, रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है या फिर अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, दैट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट।
और अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट जो है इनको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है, ठीक है, और ये क्यों बनाए जाते हैं, कंजर्व करने के लिए किसको, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। और प्रोटेक्टेड एरिया की अगर हम बात करें, जो इंडिया का जो ऑलमोस्ट 1/3 एरिया है फॉरेस्ट का, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है, ऐसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। ऐसे जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि इसमें कोई भी आगे फर्दर डिप्लीशन जो है वो ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू वल्नरेबल स्पीसीज, कौन सी जो है एक वल्नरेबल स्पीसीज है। पहले हम डिस्कस करेंगे वल्नरेबल स्पीसीज जो है वो कौन सी होती हैं। ऐसी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है और इस लेवल तक पहुंच गई है कि अगर नेगेटिव फैक्टर्स जिनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है वो ऐसे ही चलते रहे तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकती है। ऑप्शंस कौन सी हमारे पास, ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन राइनो एंड द लास्ट वन इज ब्लू शीप, ठीक है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज ब्लू शीप, ये वल्नरेबल स्पीसीज में आती है। इसके अलावा भी कुछ स्पीसीज हैं जो वल्नरेबल स्पीसीज में आती हैं, जैसे एशियाटिक एलिफेंट हो गया, ठीक है, ये भी वल्नरेबल स्पीसीज में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है गंगेटिक डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन मतलब गंगा नदी में जो डॉल्फिन है वो भी कम हो रही है, वल्नरेबल स्पीसीज में आती है। और ये जो है, अगर अब क्यों है जो गंगा में डॉल्फिन है, क्योंकि गंगा रिवर जो है उसका जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, किस वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से, कि उसमें जो पानी डिस्चार्ज किया जाता है अगर उसको जो है वो ट्रीट करके, उस पानी का ढंग से ट्रीटमेंट करके नहीं छोड़ा जाएगा तो वो सारा ही जो केमिकल्स हैं उसमें वो सारे पानी में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से डॉल्फिन जो है उनको नुकसान होता है, इसी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है और वो वल्नरेबल स्पीसीज जो है उसमें इंक्लूड हो चुकी है। नेक्स्ट इज हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ फौना आर फाउंड इन इंडिया, इंडिया में फौना की कितनी स्पीशीज हैं, ठीक है। फौना क्या है, मतलब एनिमल्स की, ठीक है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की कितनी स्पीशीज हैं। ऑप्शन है 81,000, 47,000, 15,000 एंड 41,000। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 81,000। 81 स्पीशीज ऑफ फौना आर देयर इन इंडिया, और फ्लोरा की कितनी स्पीशीज हैं, ठीक है, तो वो है 47,000, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चीता, चीता का साइंटिफिक नेम क्या है। ऑप्शंस हैं हमारे पास एसिनोनिक्स जुबेटस, ठीक है, क्वेरसियस, एम्बेलिका राइप्स एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज एसिनोनिक्स जुबेटस, ठीक है, ये चीता का साइंटिफिक नेम है। और हमने अभी डिस्कस किया चीता जो है वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आता है, 1952 में इसको इंडिया से डिक्लेयर किया गया था, एक्सटिंक्ट स्पीसी जो है वो उसको डिक्लेयर किया गया था। और जो चीता है इट इज, अब तो चीता जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, और चीता जो है इट इज द फास्टेस्ट मैमल ऑन द अर्थ, ठीक है, क्योंकि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है, 112 किलोमीटर पर आवर, इसके आसपास जो है वो इसकी स्पीड होती है, और ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल जो है वो माना जाता है। तो ये 15 क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे 10 टू 15 जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम वीडियो जो 3 वाला पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और लाइक करना भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।